क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त हर एक कपल को ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, और प्रेगनेंसी रुकने के जो वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि उसका ओव्यूलेशन से स्टार्ट होके उसकी पीरियड नेक्स्ट का जो टाइम होता है, वो बहुत ही उसके लिए एंशियस होता है पीरियड। वहाँ पर उसको बहुत सारी एंजाइटी होती है कि इस बार प्रेगनेंसी कंसीव होगी या फिर से पीरियड आ जाएगा, क्या होगा। और वहाँ पर वो कुछ हिंट चाहती है लेडी कि कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा आपके यूट्रस में चिपकता है बच्चेदानी में, तो वहाँ पर हार्मोन सीक्रेट होता है और वो हार्मोन आपको वो हिंट दे ही देता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको बता ही देगी कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, तो डेट से पहले ही आप वो जान सकते हैं और अपनी एंजाइटी तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में फील होंगे, डेट से पहले ही आप उससे पता कर पाएंगे इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुके या नहीं। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना नहीं भूलना है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर देना है। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम, आपकी डेट से पहले प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं वो हम कैसे जाने। उसमें देखो, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, और यदि ओव्यूलेशन डे आप जान पाते हैं तो आपको उसी दिनों में रिलेशन रख देना है। रिलेशन रखने के बाद भी कुछ ऐसी टिप्स फॉलो करनी होती है जिससे आपकी इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चा इजीली आपके यूट्रस में चिपक जाए, उसमें कोई भी हार्म ना हो। तो उसके लिए भी एक मेरा सेपरेट वीडियो है कि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए उसके लिए आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप अच्छे से टिप्स फॉलो करेंगे तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और इम्प्लांटेशन कब होता है, आपकी प्रेगनेंसी कब रुकती है, देखो रफली ओव्यूलेशन 28 डेज की जो साइकिल होती है, नॉर्मल पीरियड होता है, वहाँ पर 14 या 15 डे पर आपका ओव्यूलेशन होता है, अंडा रिलीज होता है। उसके बाद रिलेशन रखने के बाद वहाँ पर वो अंडा होता है, उसमें से जायगोट बनता है, बच्चे का पहला स्वरूप, जो कि आपके फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा। 6 से 7 दिन वो फेलोपियन ट्यूब में ही मैच्योर होगा, उसके बाद जाके वो आपके यूट्रस में आएगा, यानी कि रफली आपके पीरियड के 20वें दिन या 22 के दिन के आसपास वो आपके यूट्रस में आके चिपकेगा। अब जब वो आपके यूट्रस में आके चिपकेगा, उसी के बाद वहाँ पर बीटा एससीजी का सिक्रेशन होगा, तो पीरियड के 22-23 दिन पर वहाँ पर बीटा एससीजी आपकी बॉडी में आएगा। बीटा एससीजी क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन लेवल का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो बच्चे को प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बहुत हेल्प करता है, तो बीटा एससीजी और प्रोजेस्टेरोन दोनों की मात्रा आपकी बॉडी में दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो यहीं पर ये दोनों हार्मोन ही आपके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स पैदा करेगा जिससे आप जान सकते हैं कि हाँ इस महीने प्रेगनेंसी रुक गई है। तो उसमें सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, देखो जब भी वहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, बच्चा अंदर चिपकेगा, तो वो क्या करेगा, ये आपकी प्लेन एंडोमेट्रियम है लाइनिंग, जो बच्चे को इम्प्लांट के लिए उसको चिपकने के लिए हर महीने यूट्रस तैयार करती है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में थोड़ी सी खुदाई जैसा करेगा, यानी कि वहां पर थोड़ा सा गैप बनाएगा और उसके अंदर जायगोट चिपक जाएगा, बच्चा चिपक जाएगा। अब जब यहां पर बच्चा चिपकेगा, थोड़ा सा एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी निकलेगी, तो वहां आपको हल्का सा स्पॉटिंग जैसा फील होगा, ब्राउन कलर का, कई बार रेड कलर का एक ही स्पॉट फील होगा, तो ये पहली साइन है आपका बच्चा रहा है या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी रुके है या नहीं। तो ये साइन आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगी। अब देखो, जब आपका बच्चा चिपकेगा, तो जब मैंने आगे बताया इस तरह से बीटा एससीजी और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी, तो उसके चलते आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट होगा, आपको चक्कर जैसा फील होगा, जब आप सोने के बाद उठेंगे तो पोस्चरल आपको ऐसा लगेगा हाँ यहाँ पर ब्लैकआउट हो गया है, तो पोस्चरल ब्लैकआउट आपको हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आपको घबरामन जैसी फीलिंग आती है, भूख ज़्यादा लगती है, और कई बार क्या होता है पानी पीने का ज़्यादा मन करता है, मुंह में भी ज़्यादा पानी आता है, ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बीटा एससीजी बढ़ेगा, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल भी डाउन होगा, तो आपको स्वीट क्रेविंग होगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ स्वीट खा लूँ या थोड़ी सी मैं आप शुगर खा लूँ, तो शुगरी फूड खाने की आपको क्रेविंग ज़्यादा बढ़ेगी। और यदि उस टाइम पर आप ग्लूकोन डी वाटर या ग्लूकोज पानी पियेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
तीसरा सिम्टम है आपको एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने आगे बताया बीपी थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ी सी शुगर लेवल डाउन होती है, तो उसके चलते आपकी एनर्जी लेवल डाउन होगा, थकान ज़्यादा लगेगी, सोने का मन करेगा, तो ये तीसरा सिम्टम है आपको थकान लगेगी। छोटे छोटे काम भी आपको अभी लगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, यानी कि वहाँ आपको सोने का मन ज़्यादा करेगा। चौथा सिम्टम होता है जब प्रोजेस्टेरोन और बीटा एसजी ज़्यादा होता है आपकी बॉडी में, तो आपका बॉडी टेम्परेचर एक लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो आपको फीवरिश फीलिंग आएगी। कई बार आपको ऐसा भी होगा, कन्फ्यूज़न भी होगा कि कहीं मुझे वायरल फीवर जैसा नहीं है, क्योंकि आपको बुखार जैसी फीलिंग आएगी, आपको थकान लगेगी, आपको नोजिया होगा, तो कई बार आपको ये इन्फेक्शन वाले सिम्टम भी इसके साथ मिसगाइड हो सकते हैं। तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा, आपको बुखार जैसी सिम्टम्स, चौथा ये है बुखार जैसी फीलिंग आएगी। उसके बाद क्या होता है, आपको खाने में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा, यानी कि कुछ चीज़ें अचानक से आपको अच्छी नहीं लगेगी, कई बार बहुत ज़्यादा पूरे दिन में नोजेटिव फीलिंग रहती है, सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है सब बाहर आ जाएगा, हालांकि जब आप ब्रश करते हैं थोड़ा सा पानी जैसा ही निकलता है, तो वहाँ पर आपको पूरा दिन नोजेटिव फीलिंग रहती है, मुंह में पानी के फुहारे निकलते रहते हैं, ये सिम्टम भी स्टार्ट हो सकता है। एक और सिम्टम है जैसे कि आपके ब्रेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इम्प्लांटेशन होगा आपके हार्मोन में राइज होगा, और उसी के चलते आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, वहाँ पर टेंडरनेस आ सकती है, और कई कबार ये पेन बहुत ही ज़्यादा एग्रावेट भी हो सकता है। दूसरा एक सिम्टम ये रहता है कि जैसे ही आपके हार्मोन पिक पे आएंगे आपको थोड़ा सा मूड स्विंग रहेगा, कभी कभार आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो कभी कभी आप अचानक से ही सैड हो जाएंगे, तो मूड स्विंग भी स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे इम्प्लांटेशन ही होता है लेकिन उसके बाद के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव करते हैं, और वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो उससे पहले ही आप पता कर सकते हैं। एक और सिम्टम है हेडेक जैसी फीलिंग, यानी कि आपको सिर में थोड़ा सा दर्द रहेगा, पूरे दिन हल्का हल्का दर्द रहता है, कभी अचानक से ठीक हो जाएगा फिर अचानक से बढ़ जाएगा कोई मेडिसिन के बगैर ही, तो हेडेक फ्लक्चुएट होता रहता है, सिर दर्द थोड़ा सा भारीपन रहता है, तो वो भी आपके प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम में से एक माना जाता है। देखो ये सारे सिम्टम जैसे आप फील करें फिर आपकी डेट भी मिस होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, आप यूपीटी करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जब भी एक पेशेंट यूपीटी करता है तो उसको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वहाँ पर दो लाइन उसी दिन आ जानी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि आपकी डेट भी मिस हो गई है और वहाँ पर दो लाइन भी नहीं आई है तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। यदि आप इसमें से कोई एक भी सिम्टम फील हो रहा है और आपकी यूपीटी भी नेगेटिव आई है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है आपका ओव्यूलेशन लेट होगा, यानी कि 18 या 19 या 20 दिन पर आपका ओव्यूलेशन होता है, वो बहुत ही कॉमन है, तो यदि लेट ओव्यूलेशन होगा तो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी वो भी 6-7 दिन लेट हो जाएगी, तो आपकी यूपीटी लेट पॉजिटिव आएगी। तो जैसे डेट मिस हो आप यूपीटी कर लो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो ऐसे केसेस जहाँ पर आपकी यूपीटी भी नेगेटिव आती है या हल्की लाइन आती है तो वहाँ पर आपको 8 या 10 दिन और वेट करने की ज़रूरत होती है। दूसरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये रहता है कि कई बार उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन जब वो सोनोग्राफी कराते हैं तो वहाँ पर बच्चा नहीं दिखता है, तो उसमें क्या किया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो वहाँ पर भी और 8 दिन तक वेट कीजिए, और सारी टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए करनी है, जो मेरा एक वीडियो भी है वो आपने देखा होगा, तो वो सारे टिप्स भी फॉलो करते रहिए और 8 दिन और वेट कीजिए। 8 दिन बाद वहाँ पर आपको जी सेक भी दिखाई देगी, बच्चा भी दिखाई देगा, उसके अंदर हार्ट बीट भी आ गई होगी, तो 8-10 दिन तक वेट करना है। अब एक तीसरा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि ये सारे सिम्टम्स उसको दिखाई दे, जैसे कि थकान लगती है, कई बार सोने का मन करता है, अब एक एक जैसा रहता है, तो ये सारे सिम्टम उसको ये लगता है कि ये मेरे पीरियड आने से पहले भी यही सिम्टम रहते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करूँ ये पीरियड आने वाले सिम्टम है या प्रेगनेंसी रुकने वाले। तो यदि आपको पीरियड आने वाले होंगे तो वहाँ पर आपको नोजिया वाली फीलिंग शायद आपको रह सकती है, हेडेक वाली फीलिंग रह सकती है, एब्डोमिनल पेन वाली फीलिंग रह सकती है, लेकिन वहाँ पर आपको पेट में जो दर्द होता होगा वो इस दर्द से बिल्कुल ही अलग होता होगा। जो पेट में दर्द होगा वो क्रिम्पिंग फीलिंग आएगी, आपके हाथों पैरों में चुसन होगी, वहाँ पर नमनेस होगी, ये सारे सिम्टम पीरियड आने के पहले से होते हैं, जहाँ पर प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स अलग ही होते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि इसमें से भी कोई सिम्टम में से कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर आपके अंदर कोई नए सिम्टम है, कोई सिम्टम नहीं है,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप जितने भी सिम्टम मैंने बताए, ऐसे ज़रूरी नहीं हर सिम्टम आप में हो, कई बार कोई भी सिम्टम ना होते हुए भी प्रेगनेंसी वहाँ पर कन्फर्म हो सकती है। तो ये हर एक लेडी में वेरिएबल होता है कौन से सिम्टम उसके अंदर आते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पर जाके व्हाट्सएप में इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम गाइड कर देगी। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप फ्रेंड्स फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय।